हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी मटन की एक बहुत ही स्पेशल डिश है, मटन स्टिक। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आपको इसमें ना तो गोश्त को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत होती है, पर जो एंड रिज़ल्ट होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप अगर इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे हमने 1 kg लिया है मटन रिब्स, या मटन चाप भी कहा जाता है इसे। और इसी तरह के गोश्त को आपको लेना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें हम डालेंगे 2 teaspoon भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही डाल रही हूँ 1 teaspoon यहाँ पर रेड चिली पाउडर, तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर का डाला है। और 1/2 teaspoon यहाँ पे डाल रही हूँ नॉर्मल रेड चिली पाउडर। और 1/4 teaspoon यहाँ डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 2 tablespoon भर के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे दही। तो साथ ही इसमें जाएगा नमक, तो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दें। और यहाँ पर मेरे पास रॉ पपाया या फिर कच्चे पपीता का पेस्ट है, तो 1 tablespoon भर के मैं इसको डाल रही हूँ। ये मीट टेंडराइज़र का काम करता है, तो गोश्त को गलाने में ये हेल्प करेगा। और क्योंकि इस रेसिपी में हमें मटन को सीटी नहीं लगानी है कुकर में, तो आपको पहले इसको थोड़ा सा कच्चे पपीते के साथ मैरिनेट करना ज़रूरी है। और ये मैरिनेट हमने कर दिया है इसे, और इसे हम 1 घंटे के लिए ढक करके छोड़ देंगे। तो इसे लगभग मैरिनेट होते हुए हो गए हैं 1 घंटे। एक हेवी बॉटम पैन लिया है, इसमें 2 tablespoon डाल दिया है वेजिटेबल ऑयल। और अभी हमने गैस की फ्लेम को बंद रखा हुआ है, सिर्फ हमने ऐसे ही डाल दिया है इसमें पहले तेल। और इसके ऊपर हम इस तरह से प्लेस कर देंगे अनियंस। तो यहाँ पे 1 kg गोश्त के लिए मैं 1/2 kg प्याज का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मोटे स्लाइसेस में हमने काटा है प्याज को, आप देख सकते हैं 1/2 inch के करीब गोलाई में मैंने इस तरह से काट दिया है। और इसे हम पूरा 1 layer लगा देंगे प्याज का। और जो मैरिनेट किया हुआ मटन था इसके ऊपर हम 1-1 करके प्लेस कर देंगे। आप देखेंगे इस डिश को बनाना बहुत ही आसान है, और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देखिए, इस तरह से हमने सारे मटन के पीसेस इसमें प्लेस कर दिए हैं, और जो मसाला बचा था उसमें उसे भी हमने इसमें डाल दिया है। फिर इसके ऊपर से हमने डाल दिया है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। और अब हम इस पर डालेंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ पर 2 हमने रेड चिली लिया है, लाल मिर्च उसे तोड़ कर डाला है। और यहाँ पे 15 से 20 होंगे मेरे पास ब्लैक पेपर या फिर काले मिर्च, उसे डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे सारे गरम मसाले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिनेमन स्टिक, तो 3 से 4 inch के करीब होगा सिनेमन स्टिक, इसे हम डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे हरी इलायची या छोटी इलायची, लौंग 8 से 10 लौंग ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे प्याज के पीसेस, तो अनियन पीस के पीसेस हम इसके ऊपर में फिर से प्लेस कर देंगे। तो नीचे हमने 1 layer अनियन का लगाया, बीच में गोश्त, और ऊपर से फिर से प्याज डाल देंगे। और इसके ऊपर से इस तरह से हम तेल डाल देंगे। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बस ढक्कन को लगा दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए इस तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद जब हमने इसे खोला है तो आप देख सकते हैं मटन हमें इस स्टेज पे मिला है। और आप अभी ही बिल्कुल रेडी टू सर्व है ये, पर मैं इसे थोड़ा सा एक बार नीचे से ऊपर चला दूंगी ताकि ऊपर वाला जो अनियन है वो भी थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया मटन स्टिक बनकर तैयार हुआ है। गर्मा गर्म चपाती के साथ, या फिर नान के साथ, या पराठे के साथ सर्व करें। तो रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।